प्रज्ञा वाहिनी राम राम विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पूरे फैमिली की तरफ से आप लोग को दीपावली की ढेर सारी बधाई। दोस्तों आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आप लोग खूब अच्छे से दीपावली मनाइएगा। दोस्तों पटाखा से बिल्कुल बच के रहिएगा, बहुत ही दोस्तों धूमधाम से आप लोग अपना दीपावली मनाइएगा। अब मैं चल रही हूँ, देखिए सबसे पहले अपने किचन की तैयारी करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं छीमी का जो है छिलका उतार लेती हूँ। तो छीमी देखिए बिल्कुल कीड़ा वाला नहीं लगा है, एकदम खिला खिला दाना इसमें है। देखिए ऐसे देखिए सारे दाना को बाहर निकालेंगे। मैंने देखिए मुलायम वाला छीमी लिया हुआ है। दो तीन पानी अच्छे से सब्जी को धुल कर रखेंगे। हरी धनिया की पत्ती मैंने दो तीन पानी अच्छे से धुल के साफ कर लिया हुआ है। मैंने अच्छे से धुल लिया हुआ है, अब लग चलेंगे किचन में। तो सुबह देखिए मैं दीपावली का खाना बना के तैयार कर लेती हूँ। गाजर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। पुलाव वाला चावल लिया हुआ है और अच्छे से देखिए मैंने साफ कर लिया, इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, एकदम साफ है। पहले मैं पुलाव बनाएंगे तो चूल्हे में मैंने आग जला लिया हुआ है। अब रखेंगे पतीला में, देखिए पानी लिया हुआ है। पानी भर देखिए इस तरफ उबलेगा तब तक मैं चावल धुल के साफ कर लेती हूँ। पानी हमारा उबल रहा है तो मैं देखिए पुलाव वाला चावल मैंने अच्छे से धुल लिया हुआ है। अब इसमें डालेंगे अच्छे से, एक एक दाना बहुत अच्छे देखिए इसमें खिलकर उबलेगा। अब पुलाव देखिए डालेंगे देसी घी, और चम्मच देखिए डालकर अच्छे चलाएंगे। देसी घी डालेंगे, बहुत ही खिला खिला पुलाव बनकर तैयार होगा। पुलाव को देखिए हम चला कर चेक कर लेते हैं। पुलाव हमारा देखिए अच्छे से उबल गया है तो इसको छानेंगे बाहर। एक एक चावल देखिए अच्छे से खिल के बड़ा हो गया है, ऐसे देखिए इस छन्नी के सहारे हम छानेंगे, जिसमें देखिए इस तरह पानी है उसको बाहर गिराएंगे। हल्का से देखिए दोनों साइड फैलाएंगे। इसी कढ़ाई में पुलाव को तड़का लगाएंगे और इसमें डालेंगे देसी घी। घी में जीरा का तड़का लगाएंगे, डालेंगे उसमें तेजपत्ता, इसमें डालेंगे काजू, तो डालकर मैं अच्छे से भूनूंगी। इसमें डालेंगे गाजर, डालेंगे थोड़ा सा मटर। बहुत अच्छे से पक गया है, अब इसमें डालेंगे पुलाव और डालकर अच्छे से भुनेंगे। मैंने पुलाव में अच्छे से तड़का लगा दिया हुआ है, लगाकर अच्छे से भून लिया है। अब उतारेंगे नीचे। अब बहुत ही बढ़िया देखिए हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया है, काफी अच्छा देखिए देखने में लग रहा है। तो सिलबट्टे पे रखेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया की हरी पत्ती के पेस्ट करेंगे। तो एक में देखिए मैं काट लेती हूँ, सारे मसाला मैं एक में तैयार करूंगी। मैं बनाऊंगी गोभी आलू टमाटर की सब्जी। मैंने पुलाव बना के रेडी कर लिया है, इसमें बनाएंगे सब्जी। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा गरम हो गया, इसे लगाएंगे प्याज का तड़का। तड़का हमारा बहुत अच्छे से सुनहरा कलर पक गया है। अब इसमें डालेंगे सब्जी, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे गोभी, इसमें डालेंगे आलू, इसमें डालेंगे हरा मटर, थोड़ा देखिए मैंने मसाला डाल देती हूँ सूखा, और थोड़ा देखिए गरम मसाला जो मैंने पीस से बनाया हुआ है डालकर अच्छे से भुनेंगे। बहुत ही बढ़िया वाली सब्जी बनकर तैयार होगी।
इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अरे मसाला में देखिए अच्छे से आलू और गोभी और मटर को अच्छे से भून लिया हुआ है और काफ़ी अच्छा देखिए खुशबू भी आ रहा है। अब इसी में डालेंगे कटा हुआ टमाटर, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक देखिए टमाटर पर गिराएंगे तो बहुत जल्द हमारा टमाटर गल के तैयार होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढकेंगे। ऊपर देखिए नमक डालेंगे तो बहुत ही जल्द देखिए टमाटर गल जाएगा, बहुत ही बढ़िया देखिए टमाटर हमारा गला हुआ है। अब अच्छे से हम मिलाएंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमारी सब्जी देखिए बन के तैयार है। कढ़ाई को उतारेंगे नीचे, इसमें डालेंगे धनिया की हरी पत्ती। मैं बनाऊंगी रायता, तो रायता बनाने के लिए मैंने दही लिया हुआ है, छोटी बूंदी लिया हुआ है। दोनों हाथ से देखिए दही को अच्छे से मथेंगे, बराबर देखिए चलाते हुए थोड़ा देखिए तेज रफ्तार से इसको मथेंगे। अच्छे से मारेंगे, सारी जो गुठलिया है गायब हो जाएगा। रायता में दूसरे बर्तन में बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। रायता में देखिए डालेंगे जीरा भुना हुआ, मैंने पाउडर बना लिया हुआ है। थोड़ा सा देखिए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे काला नमक। अब इसमें डालेंगे छोटी बूंदी, इसी से अच्छे से मिलाएंगे। रायता में देखिए मैंने बूंदी डाल के थोड़ा सा देखिए मिला देती हूँ, मिलाएंगे जो बहुत ही अच्छे से जो इसमें जो रसा है अब बूंदी में धस जाएगा, काफी अच्छा लगेगा खाने में। इसके अब ढक कर रखेंगे, तब तक मैं पूरी छान के रेडी कर लेती हूँ। मैंने धनिया की पत्ती देखिए रायता में डाल देती हूँ, मैं इसी कढ़ाई में छानूंगी पूरी। तेल हमारा गर्म हो गया है, पूरी ऐसे हम बेल बेल के छानती जाऊंगी। पूरी देखिए हमारे अच्छे से पक गई है, मैं छान लेती हूँ तेल से बाहर। छान छान देखिए इसी थाली में रखती जाऊंगी। पूरी देखिए उल्टते पलटते हुए पकाएंगे, अब बहुत ही अच्छा देखिए हमारी पूरी गोलगप्पा जैसा देखिए पक पक के तैयार हो रही है, तो ऐसे मैं छानती जाऊंगी, काफी अच्छा लग रहा है। मैंने बनाया पुलाव बनाया हुआ है, रायता बनाया हुआ है, गोभी और टमाटर की छीमी की सब्जी बनाया हुआ है, पूरी बनाया हुआ है। दीपावली दिन मैंने बनाया है दोस्तों, पूरी बनाया हुआ है, पुलाव बनाया हुआ है, छीमी गोभी का सब्जी बनाया है, रायता बनाया है, हमारे फैमिली सब लोग खाएंगे। अच्छा लगा दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।